गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो हम फिर से आपके लिए वर्क एनर्जी के छोटे छोटे कंसेप्ट लेके हैं जो याद रखना है, एमसीक्यूज में आते हैं, न्यूमेरिकल्स में। दोस्तों हमने क्या पहले पढ़ लिया कि सर वर्क मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्शन। इसका मतलब सही से लिखू तो फोर्स डिस्टेंस कॉस थीटा। आप में से कोई बोले कि सर आप प्रूव करो, तो प्रूव करने के लिए मैं ऐसा बोलता हूं कि थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो दोस्तों। ये हमारी सरफेस है, अभी मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। यहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ओके, ये इसका सेंटर है। यहां से मैं ऑब्जेक्ट को खींच के डी डिस्टेंस पे ले जा रहा हूं, यहां से स्ट्रेट लाइन ये मैंने खींचा। तो दोस्तों वर्क का मतलब सीधी सी बात हो गई फोर्स इनटू डिस्टेंस, बात खत्म। बट मैं यही ऑब्जेक्ट को थोड़ा प्रैक्टिकली देखू, इंक्लाइन खींच रहा हूं, इसका मतलब ये मेरा बॉक्स रेडी, ये मैंने उसके कंपोनेंट्स सोच लिए। अब याद करो, आप जब टूरिस्ट बैग लेते हो तो वो बैग को ऐसे ले जाते हो, आप कभी एयरपोर्ट पे गए हो या रेलवे स्टेशन पे गए हो तो बैग को हम लोग हैंडल से ऐसे पकड़ते हैं, हम ऐसे ऊंचा नहीं करते, हम ऐसे नहीं खींचते, हम उसको इंक्लाइन खींचते हैं, थोड़ा क्रॉस खींचते हैं। इसका मतलब अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, थोड़ा इंक्लाइन लगाऊंगा, ऐसे एफ स्लाइडिंग लाइन। तो दोस्तों इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये कंपोनेंट हो जाएगा पास वाला यानी एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल जिसे हम बोलेंगे एफ साइन थीटा। ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच जाएगा, इसका मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है। तो बच्चों देख सकते हो कि फोर्स लगा नहीं, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट लगा। रिपीट, फोर्स नहीं, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट लगा यानी एफ कॉस थीटा। तो हमारे पास अच्छे से लिखो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो फाइनली बात पक्की हो गई कि सर जो आपने बोला था वो प्रैक्टिकली भी प्रूव हो गया। यस सर, मजा आ गया, आपने जो बोला वो प्रैक्टिकल भी हम लोग समझ गए। हाँ, आपने बोला वो ऐसे ऐसे नहीं बोला, प्रैक्टिकली भी इसको आपने प्रूव करके दिखाया। अब मैं ऐसा बोलता हूं कि सर वर्क जीरो कब होगा, तो मैं बोलू तीन केसेस हैं। अगर मैं फोर्स ही नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, चल बेंचिस बाहर निकल, चल स्टूल बाहर निकल, चलो एसी बाहर निकलो, चलो फैंस बाहर निकलो, तो ये कोई चीज बाहर नहीं निकलेगी, मेरे को धक्का मारना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। ऐसा इसका मतलब अगर फोर्स ही जीरो है तो भी वर्क जीरो हो जाएगा। दोस्तों हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे दीवार है पूरी, मैं ताकत लगा रहा हूं नहीं हिल रही, तो फोर्स तो लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसलिए वर्क जीरो। और तीसरा बेहतरीन है अगर उसका एंगल पाई बाय टू, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सर मजा आ गया, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं ऐसा बोलूं कि सर वर्क के बारे में आप ऐसा बोलोगे एफ डी कॉस थीटा, तो ये सारी डायरेक्शन जब कॉस पॉजिटिव होगा तो वर्क खुद में खुद पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जीरो लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय टू, वहां पे कॉस पॉजिटिव है। अगर मैं ये सोचू पाई बाय टू थीटा पाई यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहां पे कॉस नेगेटिव है यानी वर्क भी नेगेटिव होगा। इसलिए दोस्तों हम बोलते थे कि अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा, वर्क नेगेटिव हो जाएगा। सर मजा आ गया, वर्क भी क्लियर हो गया, इतने कंपोनेंट्स भी क्लियर हो गए, परफेक्ट क्लियर। अब सर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकता हूं, मैकेनिकल एनर्जी।
सर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो तो उसका दो फॉर्मूला आपको याद है, हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हो या फिर पी स्क्वायर बाय 2m। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो तो उसमें दो पार्ट है, अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे तो U इज इक्वल टू एम जी एच, या फिर स्प्रिंग की बात करोगे तो हाफ के एक्स। दोस्तों इसको आप अभी रट लो, बाद में आपको डीप में सिखाऊंगा कि इसके कैसे दो पार्ट बने और कैसे ये यूजफुल होगा, तो प्लीज 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 इसको ध्यान से पहले देख लो। मेरे माइंड में अब ये आया कि सर एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा, सर एनर्जी का भी यूनिट न्यूटन इंटू मीटर या जूल, तो वन जूल मतलब ये तो एनकेएस यूनिट आया, सीजीएस यूनिट क्या था, तो वन जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग, याद करो चैप्टर नंबर 2 मैंने सिखाया, यस सर ये भी क्लियर हो गया। अगर सर 1 kWh बोले तो कितना जूल होगा, किलो वॉट आवर, 1 kWh यानी 3.6 × 10^6 यानी 36 lakhs जूल, इतनी सारी एनर्जी मिलेगी। सर कैलोरी का बोलो, इसका कुछ रिलेशन है, बायोलॉजी में कैलोरी यूज आती है, तो सर उसका भी कहता है 1 joule = 4.2 calorie, ऑफिशियली वैल्यू 4.186 calorie। इसका फॉर्मूला भी याद रखना, W = J H, W का यूनिट जूल में रहेगा, H का यूनिट कैलोरी में रहेगा, इट्स कॉल्ड जूल्स कांस्टेंट, क्या बोलेंगे दोस्तों, जूल्स कांस्टेंट। और सबसे अच्छा और केमिस्ट्री में भी आएगा, एनर्जी का बहुत छोटा यूनिट इलेक्ट्रोवोल्ट, 1 electrovolt = 1.6 × 10^-19 joule। तो मैंने आपको छोटे छोटे 2-3 कंसेप्ट क्लियर करवाए, प्लीज इसको नोट डाउन कर दो, ध्यान रख दो, अगर एग्जाम में पूछे तो ये आपको छोटे ही टॉपिक है पर आने चाहिए कि इन सब की वैल्यू आखिर में होती क्या है, देख लो ध्यान से दोस्तों और पक्का कर लो।